सरल के उपकरण की सहायता से किसी पदार्थ के अंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना, जिनमें हम सूत्र और सिद्धांत देखे हैं, उपकरण का वर्णन देखे हैं और विधि में बताया गया था। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं विधि में, पहला काम करेंगे कि जो सहायक तार रहेगा उसमें कोई स्थिर भार लटका देते हैं। दूसरे बिंदु पे आएंगे, जो प्रायोगिक तार रहता है उस प्रायोगिक तार पे कुछ भार लटकाते हैं, जिससे कि जो तार होती है उनकी ऐंठन दूर हो जाती है। उसके बाद जो स्पिट लेबर रहता है उस पे वायु के बुलबुले को मध्य में लाते हैं, और मध्य में ला करके जो वित्तीय पैमाने का और उधर पैमाने दोनों के पाठांक को नोट कर लेते हैं। उसके आगे जो प्रायोगिक तार रहता है उनमें अपन बताए थे कि आधा आधा किलोग्राम बाट को चघाते जाएंगे, और चघाते समय पुनः देखेंगे कि जो स्पिट लेबर वायु का बुलबुला मध्य पे नहीं होता है उसको मध्य पे लाते हैं, और मध्य पे ला करके उनके लिए उधर पैमाने का पार्ट और वित्तीय पैमाने का पार्ट को नोट कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट, जिस प्रकार से अपन आधा आधा किलोग्राम के बाट को चढ़ाते थे उसी प्रकार, उसी क्रम में जिस क्रम में हम उसको चढ़ाया गया था उसी क्रम में उनको उतारते जाएंगे, और प्रत्येक स्थिति के लिए पहले एक बाट उतारेंगे तो उस स्थिति पर पुनः अपन देखेंगे कि जो स्पिट लेबर रहेगा उन पर जो वायु के बुलबुला मध्य पर नहीं आ रहता है उनको मध्य पर लाएंगे, और पुनः वित्तीय पैमाने और उधर पैमाने दोनों के पार्ट को नोट करते जाते हैं। सहायक प्रायोगिक तार पर आधा किलोग्राम के बाट को क्रमशः उतारते हुए जिस प्रकार से उनको चघाया गया था उसी क्रम में उसको उतारेंगे, पहले आधा किलोग्राम का बाट चघाए थे, फिर आधा किलोग्राम का बाट चघाए थे, फिर आधा किलोग्राम का बाट, तो उसी क्रम में पहले आधा किलोग्राम का बाट उतारेंगे, उसके बाद फिर आधा किलोग्राम का बाट उतारेंगे। उतारते हुए प्रत्येक स्थिति पर स्पिट लेवल पर वायु के बुलबुले को मध्य में लाकर वित्तीय एवं उधर्व पैमाने का पार्ट को नोट करेंगे। वित्तीय एवं उधर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने प्रायोगिक तार पर पहले आधा आधा किलोग्राम के बाट को चघाते गए, उस स्थिति पर वित्तीय पैमाने और उधर पैमाने का पाठ्यांक को नोट किए, तत्पश्चात सभी बाटों को उसी क्रम में उतारते हुए वित्तीय और उधर पैमाने के पाठ्यांक को नोट करते गए। अब दोनों पाठ्यांक का माध्य ले लेंगे जो कि किसी दिए गए भार की लंबाई में वृद्धि L होगी। उपर्युक्त बार चढ़ाते व उतारते समय के
पाठों का माध्य याद कर लेंगे। जब हम बाट को चखाए थे और जब हम बाट को उतारे हैं, उस स्थिति पर जो वित्तीय उदार पैमाने का पाठ प्राप्त हुआ है उन सभी पाठों का माध्य ज्ञात कर लेंगे, जो कि जो दिए गए भार एमजी के लिए लंबाई में परिवर्तन L होगी। इस प्रकार से हमने जो पाठ प्राप्त किए उन पाठों का माध्य ले लेंगे। यही पाठ है दिए गए जो भार रहेगा उनकी लंबाई में वृद्धि L होगी। प्रारंभिक लंबाई L ज्ञात करने के लिए हम मीटर स्केल की सहायता से जो तार रहेगा हमारे पास, जो प्रायोगिक तार और ए और जो सहायक तार बी है, उनको मीटर स्केल की सहायता से नाप लेंगे और उसकी प्रारंभिक लंबाई एल ज्ञात कर लेंगे। मीटर स्केल की सहायता से तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल, प्रारंभिक लंबाई का अपन पहले नोट किए थे कैपिटल एल से, जिनको हम क्या करेंगे मीटर लेंगे और मीटर की सहायता से नाप लेंगे तो प्रारंभिक लंबाई एल ज्ञात हो जाएगी। तो मीटर स्केल की सहायता से तार की प्रारंभिक लंबाई एल ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास स्मॉल एल प्राप्त हो गया और कैपिटल एल प्राप्त हो गया। हमको ज्ञात करनी है त्रिज्या आर, तो त्रिज्या आर कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या आर को ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज लेंगे और स्क्रू गेज की सहायता से उसकी त्रिज्या आर को ज्ञात कर लेते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से स्क्रू गेज की सहायता से तार की त्रिज्या स्क्रू गेज की सहायता से तार की त्रिज्या आर ज्ञात कर लिए। तो हमारे पास लंबाई में परिवर्तन एल ज्ञात हो गया, प्रारंभिक लंबाई एल ज्ञात हो गया है और तार की त्रिज्या आर ज्ञात हो गया है। तो अब हम सूत्र में मान रखेंगे और यंग प्रत्यास्थ गुणांक को ज्ञात कर लेंगे। सूत्र हम प्राप्त किए थे y इक्वल टू एम जी कैपिटल एल बट्टे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। इसमें किनका मान प्राप्त किया, कैपिटल एल स्मॉल एल आर। का मान रखकर यंग प्रत्यास्थता गुणांक गणना की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये विधि हो गया। विधि में हमने क्या क्या चरण बताए थे, पहला चरण बताए थे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि जो सहायक तार रहेगा उस पर कोई निश्चित भार लटका देंगे, उसके बाद प्रायोगिक तार पर एक एक कर कुछ
भार लटकाएंगे और लटका करके तार की मेटल को दूर करेंगे। उसके बाद प्रायोगिक तार में एक एक करते हुए आधा आधा किलोग्राम का बाट चढ़ाते जाएंगे और प्रत्येक स्थिति में जो स्पीड लेवल पर वायु का बुलबुला मध्य में नहीं होगा उनको मध्य में लाएंगे और मध्य में लाने के जैसे ही मध्यम आएगा तो उसी स्थिति पर हमारा जो वित्तीय पैमाने का पाठ रहेगा और उधर पैमाने का पाठ, उन दोनों के पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। जिस क्रम में हम भार को चढ़ाए थे उसी क्रम में भार को उतारते जाते हैं और प्रत्येक स्थिति में पुनः स्पीड लेवल को मध्य में लाएंगे वायु के बुलबुले को और उस स्थिति पर पुनः वित्तीय पैमाने और उधर पैमाने के पाठ को नोट कर लेते हैं। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, जो भार को चढ़ाते समय और भार को उतारते समय जो हमको पाठ्यांक आया है उन सभी पाठ्यांकों का माध्य ले लेंगे। माध्य लेंगे तो वह दिए गए भार के लंबाई में परिवर्तन L होगी। हमारे पास मीटर स्केल रहेगा, उनकी सहायता से हमारे पास जो तार रहेगा जो सहायक और प्रायोगिक तार उनकी प्रारंभिक लंबाई L को ज्ञात कर लेंगे। साथ ही हमारे पास जो स्क्रू गेज होगी उनकी सहायता से हमारे पास जो तार है उनकी त्रिज्या R को ज्ञात कर लेते हैं। सभी ज्ञात होने के बाद में जो हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ है Y इक्वल टू यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एल बट्टे पाई आर स्क्वायर एल, इसमें एल आर और स्मॉल एल का मान रखेंगे और इस सूत्र की सहायता से यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना की जा सकती है। विधि के बाद आ जाते हैं इसकी प्रेक्षण सारणी। तो जो जो हम प्रोसेस किए हैं प्रयोग को करने के लिए उसी को पूरे अपन प्रेक्षण सारणी बनाते हैं। प्रेक्षण सारणी, तो पहला प्रेक्षण सारणी बनेगा हमारे लंबाई में वृद्धि के लिए। तो तार की लंबाई में वृद्धि के लिए प्रेक्षण सारणी देखते हैं। तार की लंबाई में वृद्धि जिनको डिनोट करते हैं स्मॉल एल के लिए। सबसे पहले हम माइक्रोमीटर का अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे। सेंटीमीटर सबसे पहला हमारा यहां पे रहता है क्रमांक, हुए क्रमांक। दूसरे में हम जो भार चढ़ाए हैं आधा आधा किलोग्राम का भार बारी बारी से चढ़ाए गए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। भार चढ़ाने के बाद में हमने माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक प्राप्त किए एक बार भार चढ़ाते समय एक बार भार उतारते समय उन दोनों का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। माइक्रोमीटर का पाठ हम दो भाग में किए थे, एक बार भार को चढ़ाते समय एक बार भार को उतारते समय, दो भाग मार्क कर दिए इसको। भार चढ़ाते समय पाठ और
भार उतारते समय। भार चढ़ाते समय, भार उतारते समय, दोनों स्थिति पे हमने दो दो पाठ प्राप्त किए थे, एक वित्तीय पैमाने का और एक उधार पैमाने का। तो वित्तीय पैमाने का पाठ वित्तीय पैमाने का पाठ और दूसरा हम प्राप्त किए से उधर्व पैमाने का पाठ। भार चाहते समय भी वित्तीय पैमाने का पाठ और उधर पैमाने का पाठ, दोनों पाठ का योग इसको डिनोट कर देते हैं ए से। ये होगा हमारे भार चढ़ाते समय पाठ, उसी प्रकार सेम भार उतारते समय पाठ होगा। वित्तीय पैमाने का पाठ और उधार पैमाने का पाठ। धर पैमाने का पाठ, इनका योग, दोनों का योग करेंगे, योग को डिनोट कर देंगे बी से। हमारा माइक्रोमीटर पाठांक आ गया, एक बार भार चढ़ाते समय, एक बार भार उतारते समय। भार चढ़ाते समय दोनों का पाठांक योग ए आ गया, भार को उतारते समय दोनों पाठांक वित्तीय पैमाने एवं उधर पैमाने दोनों का योग आ गया बी। इन दोनों का माध्य पाठ लेते हैं। माध्य पाठ ए प्लस बी बाय टू, दोनों को योग कर देंगे, ए और बी को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद दो से भाग दे देंगे, माध्य पाठ आ जाएगा। माध्य पाठ ये पाठ हो जाएगा जो भार, क्योंकि तीन बार चढ़ाया है अपन आधा आधा किलोग्राम के बाट को, तो ये कहलाएगा 1.5 किलोग्राम अर्थात 1.5 किलोग्राम के लिए लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल। तो इस प्रकार से तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल के दिए गए प्रेक्षण सारणी है। इस प्रेक्षण सारणी की सहायता से अपन तार की लंबाई में वृद्धि एल ज्ञात कर लेते हैं। क्रमांक 3, आधा किलोग्राम ना आधा किलोग्राम के लिए ना आधा किलोग्राम के लिए जो पाठांक प्राप्त हुआ इस प्रकार से यह तार की लंबाई में वृद्धि L के लिए प्रेक्षण सारणी हो गया। अब इनके बाद सेकेंड प्रेक्षण सारणी बनाएंगे, वो इनकी तार के त्रिज्या के लिए। तार की त्रिज्या आर के लिए प्रेक्षण सारणी देखते हैं। समझ में आया कुछ? तार की त्रिज्या के लिए
सबसे पहले अपन वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक नोट कर लेंगे, साथ ही वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि नोट कर लेंगे। इसमें ही पहला बिंदु हमारा क्रमांक का होगा, इसके बाद मुख्य स्केल का पार्ट जो मुख्य स्केल का वर्नियर कैलिपर्स में जो मुख्य स्केल का पार्ट रहेगा उनको नोट कर लेंगे। इनको नोट कर देंगे अपन ए से। इनके बाद आता है वर्नियर कैलिपर्स में जो भागों की संख्या रहेगा उनको नोट कर लेंगे। वर्नियर की भागों की संख्या इनको नोट कर लेंगे हम एन से। इसके बाद वर्नियर का पार्ट वर्नियर स्केल का पार्ट ये हो जाएगा जो हम भाग लिए हैं वर्नियर कैलिपर्स के भाग की संख्या वो प्लस इनका जो अल्पतमांक है उनसे गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा अपना वर्नियर स्केल का पार्ट और इनको डिनोट कर देंगे हम बी से। तो मुख्य स्केल का पार्ट ए मिल गया है अपने पास और वर्नियर के भागों को अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं तो वहां पर अपने को वर्नियर स्केल का पाठांक भी प्राप्त हो गया। दोनों के पार्ट के योग कर देते हैं तो माध्य पाठ दोनों पाठ्यांकों का माध्य लेंगे। ए प्लस बी 3 पाठ्यांक प्राप्त करेंगे, क्रमांक 1, 2, 3 3 पाठ्यांक हम ले लेंगे। सभी पाठ्यांकों का सभी पाठ्यांक लेने के बाद सभी पाठ्यांक का माध्य लेंगे तो यह माध्य पाठ ही त्रिज्या तार की त्रिज्या r होगी। तो ये तार की त्रिज्या के लिए प्रेक्षण सारणी हुआ। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक नोट कर लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक के साथ साथ उनकी शून्यांक त्रुटि भी नोट कर लेंगे। तत्पश्चात पहला काम कहेंगे हम उसके मुख्य स्केल का पार्ट जिनको हम नोट के ए इनसे नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो वर्नियर में भागों की जितनी संख्या रहेगी उनको नोट कर लेंगे, उनको अल्पतमांक से गुणा कर देंगे तो वहां पर वो वर्नियर स्केल का पार्ट निकल आएगा। तो मुख्य स्केल की पार्ट और वर्नियर स्केल की पार्ट इन दोनों का माध्य ले लेंगे। इस प्रोसेस को हम कम से कम 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद तीनों का जो माध्य पाठ होगा जो आर लिए हैं इनका पुनः माध्य लेंगे तो वह किसी दिए गए तार की त्रिज्या आर के लिए पाठ्यांक निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम तार की लंबाई एल के लिए भी प्राप्त कर लिए, तार की त्रिज्या आर भी प्राप्त कर लिए। अब दोनों को सूत्र में रखेंगे, सूत्र हम बता दिए गए वाई इक्वल टू एम जी इंटू एल बट्टे पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल, इसमें मार रखेंगे और सूत्र की सहायता से यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोग अंतिम चरण में आ जाते हैं, प्रयोग में अपन क्या क्या सावधानियां रखेंगे इनको देखते हैं अपन। सावधानियां, पहला सावधानियां प्रयोग होते तक के हम उपकरण को नहीं हिलाएंगे या उपकरण में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। पहला सावधानियां होगा
प्रयोग होते तक उपकरण को नहीं हिलाएंगे। दूसरा सावधानी क्या कर सकते हैं, दूसरा सावधानी क्या हो सकता है, दूसरा सावधानी ये हो सकती है कि दोनों जो तार लिए हैं, प्रायोगिक तार और सहायक तार, उन दोनों को एक ही दृढ़ आधार से लटका देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक ही दृढ़ आधार से लटके होने से यदि आधार में कोई परिवर्तन होता है तो आधार में परिवर्तन होने के साथ जितना परिवर्तन तार ए में होगा उतना ही परिवर्तन तार बी में भी होगा। इसी के कारण दूसरा सावधानियां दोनों तार को एक ही दृढ़ आधार से लटकाया जाना चाहिए। तीसरी सावधानियां क्या हो सकती है? तीसरी सावधानियां ये हो सकती है कि दोनों जो हम तार लिए हैं, सहायक तार और प्रायोगिक तार, उनको एक ही धातु से, एक ही धातु का बना हुआ लेंगे। अगर वो अलग अलग धातु का होगा तो उससे क्या होगा, अलग अलग धातु होने के कारण उस पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग होगा, जिससे कि हम प्रत्याशितता की सीमा के अंतर्गत प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से दोनों तार दोनों तारों को दोनों तारों को समान प्रकार के धातु से बनी होनी चाहिए। तो आज के इस पीरियड में हमने सरल की उपकरण की सहायता से पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन देखें, जिसमें सूत्र और सिद्धांत की बात की है, उपकरण का वर्णन देखे हैं, उपकरण प्रयोग कैसे करते हैं उनका विधि बताया गया, साथ ही इनके लिए प्रेक्षण सारणी बताया गया और अंत में यहाँ पर सावधानियां बता दिया गया। आगे वाले अध्याय में इस नियम की सहायता से या सरल उपकरण की सहायता से हुक के नियमों के सत्यापन करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।